हेल्थ टिप्स जानने के लिए हेल्थ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने फेसबुक, यूट्यूब या इंटरनेट पर अमरूद के अनगिनत फायदों के बारे में देखा या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप इसके पत्तों के औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, अमरूद के फल के साथ साथ इसके पत्ते भी हमें कई तरह के रोगों से छुटकारा दिलाते हैं। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में अमरूद के पत्तों के औषधीय गुणों के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको अमरूद के पत्तों के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, जिनका खाली पेट सेवन करने से आपको कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज, दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या बीपी हाई है, इसके अलावा कैंसर या पेट की समस्या है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको अमरूद के पत्तों का सेवन करने के तरीकों के बारे में भी बताएंगे। नंबर एक, पेट की समस्या। सुबह उठने पर यदि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है। इसके अलावा बहुत से लोग बिना चाय पिए या बीड़ी पिए ठीक से शौच नहीं कर पाते। इस तरह की कोई भी समस्या होने पर इसका एक रामबाण इलाज है कि अमरूद की पत्तियां खाएं। पेट संबंधी किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अमरूद की पत्तियों का सेवन फायदेमंद होता है। रात को किसी भी मिट्टी के बर्तन में एक गिलास पानी लें, फिर उसमें एक चम्मच त्रिफला चूर्ण डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर सुबह उठकर इस पानी को हल्का गुनगुना होने तक गर्म करें। इसके बाद इसे छान कर रख लें। अमरूद के 3-4 पत्तों को बहुत बारीक पीस कर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को त्रिफला के पानी में मिलाकर सेवन करें। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको अमरूद की नई छोटी पत्तियों का ही प्रयोग करना है। छोटी पत्तियाँ यानी जो अभी अभी उगी हैं और दिखने में लाइट क्रीम कलर की होती है। ऐसा करने से आपको पेट की समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही सुबह उठने पर इसका सेवन करने के बाद आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा और आप पूरे दिन फ्रेश महसूस करेंगे। नंबर दो, डायबिटीज। आप या आपके घर में किसी को भी डायबिटीज की समस्या है, तो रोज सुबह उठकर खाली पेट अमरूद के 2 पत्ते चबाने से आपको डायबिटीज की परेशानी से राहत मिलेगी। अमरूद के पत्तों के साथ आप जामुन की गुठली के बीज का पाउडर या चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन की गुठली का पाउडर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अमरूद के 3-4 पत्तों की बारीक पीस कर चटनी बना लें और फिर उसमें 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर मिक्स करें और सुबह उठकर खाली पेट इस पेस्ट का सेवन करें। ध्यान रहे, इसे धीरे धीरे चबाते हुए खाएं। ऐसा करने से आपका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। इतना ही नहीं, लगातार इसका सेवन करने से डायबिटीज की समस्या से आपको जल्द ही छुटकारा भी मिल सकता है। नंबर तीन, बीपी। आजकल ज्यादातर लोगों को बीपी की समस्या रहती है। इसके इलाज के लिए अमरूद के पत्ते किसी रामबाण से कम नहीं। अमरूद की पत्तियों में पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए आपको अर्जुन की छाल और अमरूद के पत्तों का बारीक पीस कर एक पेस्ट बनाना है। अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आराम से मिल जाएगी। पेस्ट को एक गिलास पानी के साथ अच्छे से गर्म करना है। इसे ठंडा होने पर खाली पेट इसका सेवन करें। नियमित रूप से ऐसा करने से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। नंबर चार, दिल की बीमारी। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की कई बीमारियां हो सकती हैं, जिससे बचने के लिए अमरूद की पत्तियों का सेवन करना फायदेमंद होता है। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी दिल की बीमारी है, तो उसे सुबह खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। दरअसल अमरूद के पत्तों में मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को कम करता है। अक्सर डॉक्टर भी हार्ट के पेशेंट को अमरूद या उसके पत्तों का सेवन करने के लिए कहते हैं। आपको सुबह उठकर खाली पेट 3-4 अमरूद के पत्तों का पेस्ट बनाकर इसका सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इसे एक गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ भी अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। नंबर पाँच, बाल झड़ना और बुढ़ापा रोकें। अक्सर आपने लोगों को बाल झड़ने की परेशानी के बारे में बात करते हुए सुना होगा। पहले केवल उम्र बढ़ने के साथ ही बालों का झड़ना शुरू होता था, लेकिन आजकल युवाओं और बच्चों के भी बाल जल्द ही झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आने लगती हैं और कील मुहासे की समस्या भी रहती है। अगर आप भी ऐसी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको अमरूद के पत्तों से बने काढ़े का सेवन जरूर करना चाहिए।
अमरूद की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को कम करता है और चेहरे पर होने वाले कील मुहासों से भी छुटकारा दिलाता है। इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स बालों का झड़ना भी कम करते हैं। इसके लिए आपको अमरूद के 4-5 पत्तों को एक गिलास पानी में अच्छे से उबालना है। ध्यान रहे, पानी को आधा गिलास रहने तक अच्छे से उबाल लें, फिर इसका पानी छान लें। पानी के ठंडा होने पर इसे बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मालिश करें और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लें। इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। ये उपाय आपको लगभग हफ्ते में 2 बार जरूर करना है। लगातार 3 महीने तक ऐसा करने से आपको बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।